हेलो सर, अभी आप कौन सी मूवी देख के आ रहे हैं? अभी मैं हिंदुत्व मूवी देखकर आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छी मूवी थी एंड ऐसे बांधे रखी है ऑडियंस को उसने, एंड ऐसे लगा कि अब क्या होगा अब क्या होगा। और पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं, ज़्यादा घुमाने वाली बातें नहीं है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई है। हाँ, उसमें कौन से मुद्दे ऐसे दिखाए गए हैं जो लोगों को कनेक्ट करेंगे, अपील करेंगे? बहुत सारे मुद्दे ऐसे दिखाए हैं, हिंदुत्व के तो मुद्दे हैं ही, और कैसे हम अपने धर्म को बचाते हैं, कैसे दूसरों के धर्म की इज्जत करते हैं, और कैसे दो दोस्त दो अलग धर्म के होते हुए भी कैसे हम सबकी भलाई के लिए काम कर सकते हैं, वो दिखाया गया है। और कैसे दिखाया गया है कि कैसे हम भड़काऊ भाषण ना दे के मतलब दो धर्म के बीच में झगड़ा ना कराएं, वैसे ये सब बताया गया है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया गया है दोनों के तरफ से। मेन हीरो तो है ही बहुत अच्छे, एंड जो विलन का रोल किया है उन्होंने भी बहुत अच्छा एक्टिंग किया, एंड हीरोइन ने भी सोनारिका जी ने भी बहुत अच्छा एक्टिंग किया है। म्यूजिक के बारे में आप क्या कहेंगे? म्यूजिक बहुत अच्छा है, मेन टाइटल सॉन्ग तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कनेक्टिंग है, और ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती का गाने हैं, सब मतलब पॉइंट टू पॉइंट गाने हैं एंड सही जगह पर हैं, एंड आपको जोश भर देंगे ऐसे गाने हैं। कोई सॉन्ग जो आपको टच किया हो, कुछ आप कहना चाहेंगे? हिंदुत्व का जो टाइटल सॉन्ग है बहुत अच्छा है। हाँ, आउट ऑफ 5 कितने स्टार देना चाहेंगे? आउट ऑफ 5 मैं 4 देना चाहूँगा, 4.5। थैंक यू सर। अपना तो यही कहना है कि आज के ज़माने को देखते हुए ये बहुत सरल और सोबर फिल्म है और भाईचारे का संदेश दे रही है, बहुत अच्छा फिल्म है, युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा है आज के लिए। ठीक, फिल्म के म्यूजिक के बारे में क्या कहना है? बढ़िया, सब कुछ बढ़िया था, युवा हीरो थे, सब चीज़ बढ़िया। हमें तो बहुत दिन बाद फिल्म देखी है, काफ़ी करीबन 20-25 साल बाद सब कोई पहली बार देखा है, तो 20 साल के बाद पहली बार फिल्म देख रहे हैं, लेकिन आज के ज़माने को देखते हुए सरल और सुपर फिल्म है और भाईचारे का संदेश है। 10 राष्ट्रीयता की भावना को लेकर फिल्म बनी है और बहुत अच्छा विषय उठाया है, और लोगों के दिमाग में जो भ्रांतियाँ फैलाई गई थी उनको दूर करने का बहुत अच्छा प्रयास है। आशा है ऐसी फिल्में और बनेगी तो हमारा देश का भाईचारा, नेशनलिज्म। सर, जैसे इसका टाइटल है हिंदुत्व, क्या क्या ऐसा कुछ दिखाया, कैसे इसमें कोई भड़काऊ चीज़ तो नहीं? नहीं, ऐसी भड़काऊ चीज़ कुछ भी नहीं है, हिंदुत्व बोलने के लिए है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, बट वो हिंदुत्व जो है भगवा जो रंग आज चल रहा है तो वो भगवा नहीं है, ये हिंदू बहुत हिंदू बेसिकली धर्म ही नहीं है बेसिकली देखा जाए तो, जो सिंध नदी के इधर रहने वाले हिंदू कहलाते हैं, और वहाँ के सिंध प्रांत उन लोग हिंदू बोलते थे, तो हिंदू कोई वो नहीं, हिंदू सनातन धर्म है यार, उससे हज़ारों साल से आ रहा, उस समय तो ये सब नहीं थे ना, और हिंदू में अनादि भी है, नास्तिक भी है, सभी कुछ धर्म है, तो हिंदू जो है धर्म एक जीने का तरीका है। 5 में से 10 दूंगा। बहुत अच्छी मूवी है, ज़रूर देखिए, मतलब बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी मूवी आई है कि रिलीजन स्पेसिफिक, और वो भी पॉजिटिव, लाइक पॉजिटिव माइंड्स, पॉजिटिव वाइब्स, बहुत अच्छी है। आप देखिए सर, मूवी का जो वो है ना सॉन्ग हिंदुत्व वाला, मेरी बेटी गाती है, हाँ टाइटल सॉन्ग, वो बहुत अच्छा। तू मेरे प्राण में रहता है, तू मेरे अंग पे सजता है, तू मेरे अंग पे सजता है। थैंक यू सो मच। वी आर हिंदूज, हम हिंदू हैं, और हिंदुत्व को लाइक मेरी हम लोगों की कल्चर हम लोगों के रोज़ के रहन सहन के मुताबिक है। हम लोग कोई ऐसे नहीं है कि हम लोगों का कुछ ऐसे है कि हमें मंदिर रोज़ जाना है, हमें मंदिर कोई रिचुअल्स वैसे नहीं है कि स्पेसिफिक और स्ट्रिंजेंट कि हमें करना ही करना है, वो हमारा डेली की दिनचर्या है जो हम फॉलो करते हैं, तो दैट इज़ हिंदुत्व फॉर मी। वो मेरे म्यूजिक और सॉन्ग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे। देखिए, आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? आउट ऑफ 5 आपने दीपिका जी को देखा जो सीता का? राइट, वो बहुत नॉस्टैल्जिक था, क्योंकि सीता सिया राम देख रहे थे, वो सीता थी, हाँ रामायण की सीता, और उसके बाद अब जब देखा ना बहुत नॉस्टैल्जिक था, मतलब ऐसे दिल कर रहा था अरे यार वही दिन वापस आ जाए। थैंक यू सर। अभी आप कौन सी फिल्म देख के आ रहे हैं? मैं हिंदुत्व देखी अभी। ओके सर, तो बहुत अच्छी बनाई है, ड्रामेटिक फिल्म है, और दोनों कम्युनिटी को इक्वल वे में रखा है उसको, और जो भी है मतलब दोस्तों की कहानी है
जो आगे दोस्त लोग एक आपस में दुश्मन भी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो सरकमस्टांसेस ट्विस्ट काफ़ी है पिक्चर के अंदर, अल्टीमेटली वो लोग एक हो जाते हैं। उन्हें ये पता चलता है कि हमें जो है पॉलिटिकल पार्टियां और जो रिलीजियस ये हैं वो हमें भटका रहे हैं, बट अल्टीमेटली हैप्पी एंडिंग होती है। सब कुछ बहुत ही अच्छे से ये किया और सबके परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, हर चीज़ लाजवाब है पिक्चर की। और कुछ आपने दीपिका चिखलिया जी को देखा? हाँ जी। कैसा लगा सीता जी को देखने के बाद में, उनके कैरेक्टर को? अब वो सीता जी उस टाइम में थी पतली, और ये अब सीता जी तो सर उनका कैसा रहा? तो अच्छा ही है उनका, जो उनसे मिलता जुलता ही है, जो सीता को दिया था वैसे ही टाइप का गुरु माँ बनी हुई है, तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। म्यूजिक अच्छा है? नहीं, बहुत अच्छी लगी मुझे मूवीज़, और ख़ास करके एक बच्चों को, जो आज हमारे बच्चे जो हैं अपने संस्कार से भटक रहे हैं, तो इस पिक्चर से कॉलेज में से बच्चे जाते हैं सब ऐसे, तो इसमें बहुत अच्छे संस्कार बच्चों को दिए हैं। और ये जो दो जातियों के बीच में जो वाद विवाद वो सब है, तो वो सब को भी मिटा के एक रहने की शिक्षा दी, तो मूवी बहुत अच्छी बनाई है। और दीपिका जी ने भी बहुत अच्छा मैसेज दिया है, बच्चों को बहुत अच्छा सिखाया है, बहुत अच्छा किया, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा, अगर पाँच में से आप पाँच में से कितने स्टार दूंगी? मैं तो 4.5 दूंगी। सर आप? मैं तो 4 ही दूंगा फिलहाल। थैंक यू। ओके, थैंक यू। मैं हिंदुत्व देख के आ रहा हूँ अभी। अच्छा सर, जैसे फिल्म का टाइटल है हिंदुत्व, तो फिल्म कौन सी कहानी पर बेस्ड है? जैसे कि टाइटल का नाम हिंदुत्व है, हिंदू के ऊपर ही बेस्ड है, एक दौरे के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम का राइट्स भी हुआ था, एंड देन हाउ हिंदू तो लाइक वॉन एक तरह से, कि कैसे वो चीज़ गलत था, जो भी राइट्स हुए थे कैसे गलत थे, कैसे हिंदुत्व को हिंदू लोगों ने बचाया। तो ये मूवी उस बारे में है, उस दौर के बारे में, उसी चीज़ों के बारे में बहुत लेंथ पे बात की गई है। स्टारकास्ट में मुझे स्पेशल मेंशन आशीष शर्मा की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, उनके कुछ मोनोलॉग्स है, मैं रिवील नहीं करना चाहता, आप जब मूवी देखोगे आपको पता चलेगा, बट काफ़ी एफिशिएंटली उन्होंने डिलीवर किया है। एंड बाकी मुझे हमारे खुद के फ्रेंड है स्मरण, उन्होंने भी फिल्म में स्टार किया, तो मुझे उनका भी किरदार अच्छा लगा। जो रामचित मानस आती है उसका जो दीपिका चिखलिया जी थी, उन्होंने सीता जी का करेक्टर किया था, अभी हम उनको इसमें देख पा रहे हैं, तो कैसा लगा उनकी परफॉर्मेंस? मेरे लिए सरप्राइज़ था, मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि वो फिल्म में स्टार कर रही हैं। जब मैंने उनका परफॉर्मेंस देखा, मैंने पहले भी उनके काम देखा है, ऑब्वियसली इतने साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो हमें उनको उनके बारे में लाइक अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी एक मनजीवी किरदार हैं, लाइक वो जो भी कैरेक्टर पिक करती हैं काफ़ी एफिशिएंटली उस कैरेक्टर को निभाती हैं, तो उन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया है फिल्म में, एक अच्छी हिस्सेदारी निभाई है, तो जो लोग उनको उनका काम जो लोग देख रहे हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं जिनको काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, उनको उनका काम पसंद आएगा, डेफिनेटली पसंद आएगा। मेरे लिए सबसे बड़ा हाईलाइट फिल्म के लिए म्यूज़िक है, जिनका बैकग्राउंड म्यूज़िक है हिंदुत्व का, तू मेरा हिंदुत्व है, तू मेरा अस्तित्व है, जो उनका बैकग्राउंड म्यूज़िक है, जो जी ने किया है, दिलेर मेहंदी की आवाज़ है, बहुत पावरफुल है। कोई भी आप सीन अगर देखते हो उसमें अगर इस तरह का एक बैकग्राउंड म्यूज़िक होना, वो सीन का जो इम्पैक्ट होता है अपने आप डबल हो जाता है। तो अगर अच्छा म्यूज़िक होता है फिल्म अच्छी बनती है, डायलॉग्स और इम्पैक्टफुल हो जाते हैं और पावरफुल हो जाते हैं, तो ये मेरे लिए हाईलाइट था कि फिल्म की म्यूज़िक बहुत अच्छी है। कोई डायलॉग, कोई एक लाइन जो आपको टच कर गई आप? सर, तीन घंटे की पिक्चर में से एक लाइन मैं अगर आपको बताऊं तो फिर वो अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि किरदार लाइक कास्ट एंड क्रू ने काफ़ी मेहनत की है, स्क्रिप्ट राइटिंग में काफ़ी मेहनत हुई है, तो मेरे लिए अनफेयर होगा एक लाइन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, पर है, मोमेंट्स हैं, मोनोलॉग्स हैं, दो जो मेन लीड्स हैं उनके बीच में मोमेंट्स हैं, कास्ट एंड क्रू के आपस में कॉन्वर्जेशंस हैं, मतलब क्रू नहीं कास्ट के बीच में आपस में कॉन्वर्जेशंस हैं, और म्यूज़िक जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि म्यूज़िक काफ़ी अच्छा है, तो डायरेक्शन अच्छा है, करण राजदान सर एक काफ़ी मंजे हुए डायरेक्टर हैं, तो हमारे हम कोई नहीं होते कमेंट करने के लिए कि उनकी डायरेक्शन कैसी है, जो लोग उनका काम फॉलो कर रहे हैं वो अपने आप समझ जाएंगे पिक्चर देख के। हिंदुत्व पे बहुत दिन के बाद एक ऐसे फिल्म आई जो एक इकट्ठा हिंदुत्व को करके बहुत अच्छे से जानकारी हिंदू के बारे में दिए है, और बहुत अच्छा मूवी है, इससे बेहतर मूवी मैं तो सोच रहा हूँ दोबारा भी देखूँ ये मूवी को। हिंदुत्व फिल्म ऐसा है कि आप सिर्फ हिंदू के, जैसे हिंदुत्व जो चल रहा है मार्केट में, आप उसके सोच के आप मत जाओ कि हिंदुत्व है तो सिर्फ हिंदू वाला है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें दोनों चीज़ों को अच्छी तरह दिखाया गया है, एंड ऑफ में टाइम में हिंदू और मुस्लिम का मिलाप दिखाया हुआ है, और जो टेररिज्म है उसके ऊपर दिखाया हुआ है, काफ़ी अच्छी पिक्चर। करण राजदान ने अच्छा एक्टिंग किया, काफ़ी जो उन्होंने पिक पकड़ा था काफ़ी अच्छा था। म्यूजिक पार्ट कैसा है फिल्म का? बेस्ट है। हम इसमें 4 पॉइंट देंगे इसको, आउट ऑफ 5। उसमें एंड ऑफ टाइम में मिलाया हुआ है लोगों को,
ये नहीं कि सिर्फ उसमें दंगे नहीं दिखाए गए, सिर्फ उसमें मिलाया गया है। हाँ हाँ, आप उसको दोबारा भी अच्छे से आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं उसको। फिल्म तो बहुत ही अच्छी थी, हिंदुत्व फिल्म जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने उसमें कैरेक्टर्स भी अच्छे थे और एक्टिंग भी बहुत ही अच्छा किया था उन्होंने। डायरेक्शन कैसा है? बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा डायरेक्शन था उनका जो हमने देखा, बहुत ही अच्छा था। और गाने कैसे, म्यूजिक कैसा है इस फिल्म का? म्यूजिक तो ठीक था, गाने तो बहुत ही इंस्पायर करने वाले गाने थे उसमें और बहुत ही अच्छे था गाने। पाँच में से मैं इनको 5 दे सकता हूँ रेटिंग, बिकॉज ये फिल्म बहुत ही अच्छी बना रही थी। हाँ, इस पिक्चर को देख के आप क्या क्या कहेंगे? वही समाज जो चल रहा है उसी के बिना फिर ये पिक्चर बनाई है और इसीलिए वो बहुत अच्छी चलने वाली है मेरे ख्याल से, मुझे तो बहुत अच्छी लगी।